What is this thing? This is a snack. मैम के ब्लॉग से आओगे इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ओके. जो भी होगा. I've been hungry. Oh, this small one is 700. Big one is 1500. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. यस्टरडे के व्लॉग में आपने देखा था इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर 2023 में गई हुई थी और पार्ट वन मैंने दिखाया था कल के व्लॉग में. तो आज उसी का पार्ट टू रहेगा फिर से, जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है 2023 का न्यू टाउन एरिया में, तो उसी का सेकेंड पार्ट आज के व्लॉग में रहेगा. चलिए व्लॉग शुरू करते हैं. आपने देखा था दुबई परफ्यूम का स्टॉल था जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था कल का व्लॉग, तो आज का व्लॉग जो है वहीं से फिर शुरू करेंगे और इसके बाद बाकी के जितने भी हॉल्स हैं वो सारा देख लेंगे आज के व्लॉग में. तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं. जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ कि पार्ट वन भी चैनल पर है, आप ज़रूर देख लीजिएगा. ये वाला वीडियो जो है वो ट्रेड फेयर का पार्ट टू है. और आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि 1 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2023 तक ये ट्रेड फेयर जो है वो न्यू टाउन में सिटी स्क्वायर ग्राउंड में हो रहा है. सिटी स्क्वायर ग्राउंड जो है सेंट्रल मॉल के करीब में है, तो आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो न्यू टाउन के सेंट्रल मॉल पहुँच जाइए और वहीं पर आपको आते ही ये जो मेला है आपको दिख जाएगा. तो चलिए अब आज का व्लॉग शुरू करते हैं. यहीं से पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सारी चीज़ें जो भी मैं देखूंगी उसका प्राइस वगैरह सब कुछ बताएंगे. साथ में मेरे व्यूअर्स के लिए एक जगह में डिस्काउंट भी है, एक स्टॉल में 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस को देख के उस दुकान में जाके कुछ परचेज़ करते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं आगे. पूरा आखिर तक बने रहिए और देख लीजिए आज का व्लॉग. हर जगह मैंने बहुत कंट्रोल किया कि कुछ नहीं खरीदूं, लेकिन फिर भी परफ्यूम मैंने ले लिया है. दुबई का परफ्यूम दो ले लिया, एक्चुअली 500 में आया, 300 का ली, एक छोटा वाला 200 का ली. घर जाके दिखा दूंगी आप लोगों को अगले ब्लॉग में. चलिए अब धीरे धीरे बढ़ते हैं हॉल नंबर 4 की तरफ. कैसा लग रहा है ब्लॉग कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और आके एक बार देख के जाइए. यहाँ तो आ गए हैं हॉल नंबर 4 की तरफ. यहाँ भी वही लिखा हुआ इंटरनेशनल एंड लाइफ स्टाइल टू, मतलब दो पार्ट्स में है. एक तो आपको दिखाई पार्ट वन, ये है पार्ट टू. चलिए चलते हैं अंदर, देख लेते हैं क्या कंटेक्ट करते हैं. सेम चीज़ें पहले दिख रही हैं, वही जामदानी साड़ीज वगैरह. ये बहुत सुंदर लग रहा है वाइट में, बहुत खूबसूरत लग रहा है, स्टोन का वर्क है. इसका क्या प्राइस है भैया? वाइट क्या कपड़ा है? तसर के ऊपर है, वाइट है, एकदम प्योर वाइट में, और छोटे छोटे स्टोन का काम है, बहुत खूबसूरत है. 6,500 का. ये 10,000 का है. देखिए यहाँ मैं जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि सेम ही चीज़ें दिख रही है मुझे. ये फुलिया, मतलब ये अपने बंगाल का फुलिया हैंडलूम साड़ी. ईरान, ईरान का क्या है देखते हैं. ज्वेलरीज है, कितने का है ये सब पर्स? 500. मैं यहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हूँ क्योंकि फिर से वही सारी एक ही जैसी चीजें दिख रही हैं. आसामीज मेखला, देखिए यहाँ मेखला मिल रहा है आसाम का. मेखला का स्टार्टिंग प्राइस क्या है मैम? 1100 से. ओके.
यहाँ पे से डिजाइनर सूट्स 1000 ईच। 1 मीटर का लेंथ होता है यहाँ भी किलो के हिसाब से मिल रहा है। मेला माइन का क्रॉकरी सब 499 पर केजी। पंजाबी सूट्स का कलेक्शन आगे दिख रहा है। पंजाबी सूट्स सारे 999 के ही है ना? यस मैम। देखिए कोई भी लेते हैं आप सब 999 में आएगा। बहुत सुंदर है, काफी तरह की बच्चों की, ये कुछ अलग लग रहा है। देखिए पोंचू है, बीड्स वगैरह से बना हुआ पोंचू, बहुत खूबसूरत। आइए प्राइस जान लेते हैं, क्या प्राइस है भैया ये सब का? अलग अलग प्राइस, एक तो बताइए। ये व्हाइट वाले, ये व्हाइट वाला कितने का है? ये देखिए ये व्हाइट वाला 1800 रुपए का है। अलग अलग प्राइस रेंज है बता रहे हैं, काफी खूबसूरत है। पीछे देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब, और किसी भी ड्रेस के साथ पहना जा सकता है ये फ्रेंड्स, लुक चेंज हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा रनर में और एक क्वालिटी रहा है, इतना मोटे भी नहीं। देखिए इन्होंने पहना हुआ भी एक है, पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा प्लेन ड्रेस का। एजुकेशनल ब्लॉक्स है, बताइएगा भैया ये सब क्या ब्लॉक्स है? अच्छा मतलब एक ही प्रोडक्ट से कई सारी चीजें। ओके तो बच्चे बना लेंगे, कौन से एज ग्रुप के बच्चे? और ये मूव कैसे हो रहा है, बैटरी है कुछ? ओके प्राइस क्या है? 990 का डिस्काउंट, 600। ओके 600 का इस तरह से बॉक्स आएगा, उसमें ये सारा बन जाएगा, उसी में 500 प्लस मॉडल इतनी सारी चीजें बन जाएंगी। प्लेन बनाना, गाड़ी यहाँ फिर से फुटवेयर है। देखिए जूतियाँ हैं, काफी सुंदर सुंदर है। तो अब फिर से हॉल 4 से निकल गई, हॉल 5 के करीब पहुंच गई। हॉल 5 में लिखा हुआ है इंटरनेशनल कंज्यूमर एंड लाइफ स्टाइल। चलिए अंदर जाके देख लेते हैं क्या मिल रहा है। करते ही बैंकॉक कलेक्शन दिख रहा है थाईलैंड का, चलिए देखें क्या कुछ है। देखिए प्राइस सब लिखा ही हुआ है, आप लोगों को भी आसानी रहेगा देखने में। टी शर्ट्स मिल रही है बहुत सुंदर, थैंक यू। जैसा भाई लेके आता है ना बैंकॉक जाने से, वही सारी चीजें। भाई लोगों के थाईलैंड बैंकॉक ट्रिप का ब्लॉग भी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। ये सारे बैंकॉक थाईलैंड के ही प्रोडक्ट हैं। आदि आता ना तो इन खिलौनों की दुकान से कुछ ना कुछ जरूर लेता। यहाँ देखिए फिर से स्टोल वगैरह मिल रहा है। ये क्या प्राइसिंग है ये वाला? दिस वन 1100। ये क्या है? स्टोल है, स्कार्फ टाइप है। क्या प्राइस है? साइजेस का भी कोई बात है कि बस ऐसे ही सारे लोग बच्चा से लेके बड़ा तक 350। कलर्स देखो, बहुत सारे कलर्स, व्हाइट ही सबसे अच्छा लग रहा शायद, बीच है लाइट ब्राउन, कोट वगैरह के साथ भी यूज कर सकते हैं, कार्डिगन के साथ। व्हाइट एक दे दीजिए, 1200 बताए ना। नॉट लगा के ठीक है, मुझे वो व्हाइट वाला ही दे दीजिए। ये मैंने एक ले लिया ऐसा व्हाइट फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है काफी। ये देखिए यहाँ मिल रहा है, ये बहुत फैंसी चीजें यहाँ आपको मिलेंगी। गा एक्सपोर्ट लिखा हुआ है,
हॉल नंबर कितने में? ये हॉल नंबर, हॉल नंबर 5, हॉल नंबर 5 में है ये। अच्छा है यहाँ कलेक्शन? नहीं दे दीजिए ना चेंज। ये सब कितने का है? 1400। काफी खूबसूरत है, सोच रही हूँ कौन सा छोड़ू कौन सा लूँ। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, सोच रही हूँ ले लूँ क्या। चौदह सौ का है ये, बहुत सुंदर है। यहाँ फिर से हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरीज हैं फ्रेंड्स। फिर से जिस मॉल में आउटलेट ओपन हुआ है उसका प्रॉब्लम है। क्या प्राइस है? 1500-2000 के बीच में। ऐसे मॉल में सेकंड फ्लोर पे आउटलेट ओपन हो रहा है, इसलिए प्रमोशन चल रहा है। देखिए उत्तम क्लोथिंग चंडीगढ़ सारे देखिए फ्रेंड्स, मैम के ब्लॉग से आओ, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, जो भी होगा फ्राइडे। तो व्यूअर्स आ जाइए जल्दी जल्दी, देखिए डिस्काउंट भी मिलेगा आप लोगों को। एक खोल के दिखा दीजिए भैया। देखिए पैटर्न देखिए, बहुत प्योर एक नजर है पसंद आई चीज। इसका दुपट्टा देखिए प्योर कंफर्ट, ये वैरायटी स्टाइल नहीं है भाई कहीं भी आपको। जो कस्टमर कहता था कि इस पे लेंथ नहीं आ रही, प्रॉपर वेट नहीं आ रही, सब कुछ यहाँ पे आपको तो आ जाइए फ्रेंड्स, आके विजिट कीजिए। ये है नाम मैंने दिखा दिया आप लोगों को, उत्तम क्लॉथिंग चंडीगढ़। फिर से बनारसी देखिए, बनारसी दुपट्टे भी मिल रहे हैं। भागलपुर अगेन, अफगानिस्तान अगेन, सेम चीजें रिपीट हो रही है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। कश्मीर एम्पोरियम अगेन, यहाँ देखिए कान्हा जी का पोशाक मिल रहा है, साथ में बैग्स हैं काफी कुछ। ये क्या मिल रहा है भैया? सीड्स कंप्लीट न्यूट्रिशन विटामिन वगैरह सारी चीजों को प्रोवाइड कराता है, शुगर बीपी कंट्रोल कराएगा। तो क्या सारा मिक्स है कि मतलब कैसे है? टोटल मिक्स है, इंडिविजुअल मिक्स में क्या क्या सीड होंगे? इसमें गोल्डन फ्लैक्स है, पम्पकिन है, वाटरमेलन है, सनफ्लावर है, मस्ट मेलन है, पॉपी है। प्राइसिंग क्या है? अगर ये रहते हैं 8 सीड्स का कॉम्बिनेशन तो 1180 रुपीज आपका डिस्काउंट। 1180 और सीड्स विद ग्रुप, छोटे पैकेजेस भी तो है ना, अगर कोई छोटा लेना चाहे। ये 680 है, ये 780 है, और ये वाला सीड्स विद ग्रुप वाला 780 सी है, सीड्स विद बैरीज वाला 780 और नॉर्मल सीड्स 8 ये 680। ओके थैंक यू। कश्मीर ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये क्या है भैया? मतलब क्या है? साड़ी है, साड़ी है, प्राइस क्या है? 3500। थोड़ा सा खोलिए, पूरा नहीं हल्का सा खोल के दिखाइए। 3500 बोले ना, बहुत खूबसूरत साड़ी लग रही है। ठीक है भैया, ये भी टिश्यू है क्या? फिर से ज्वेलरीज, इजिप्ट सारी इजिप्शियन चीजें देखिए, बहुत अच्छी लग रही है सारी चीजें। ये क्या है? एस्ट्रे है ये सर? प्राइस क्या है? दिस गोल्डन वन
750. Oh, this small one is 700. Big one is 1500. Okay. And this mirror and comb set. This one, mirror and comb set. 1500. देखिए बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ आके ले सकते हैं. यहाँ भी देखिए काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं. अलग सी. ये क्या चीज है? देखिए सांप के जैसा. What is this thing? This is a knack. How much for this? 1500 का है ये नेक पीस है. इसी तरह से काफी सारी चीजें हैं यहाँ से भी निकलते हैं. दिखाई दी ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीजें हैं जो सारे हॉल्स में रिपीट हो रही हैं. तो इसीलिए मैं शॉर्टकट में दिखा दे रही हूँ. आप आके अच्छे से देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ. यहाँ देखिए रेडीमेड ब्लाउजेस, ज्वेलरीज, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज. और इसके साथ ही निकल रही हूँ बाहर. तो हो गया हॉल नंबर 5. अब दूसरी तरफ है हॉल नंबर 6 जो कि है फूड कोर्ट. आइए यहाँ भी देख लेते हैं क्या मिल रहा है. ये देखिए हॉल नंबर 6 है फूड कोर्ट. चलिए अंदर जाके जल्दी जल्दी से दिखाती हूँ क्या कुछ मिल रहा है यहाँ पे. सारी चीज़ें कूपन से मिलेंगी तो कूपन लेना होगा यहाँ. यहाँ क्या है? कोरियन. हाँ, कोरियन काउंटर. ओके. नेक्स्ट है भेल पूरी. नेक्स्ट यहाँ सारा काफी सारे वेज नॉन वेज आइटम्स है. पकौड़े वगैरह, मोमोज भी है, तंदूरी एग विथ चीज. देख सकते हैं आप सारी चीजों को. ये क्या है? पिज्जा. कुल्हड़ पिज्जा. ओके. यहाँ देखिए काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. प्राइस कितना? 120. नॉन वेज का 150, वेज का 120. कबाब्स का काउंटर. काफी तरह के कबाब्स है. देखिए टिक्का है, रेशमी है, हरियाली है. सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ. चेयर्स लगे हुए, आप लोग वहाँ के आराम से बैठ के खा सकते हैं. नेक्स्ट है मुगलाई चाउमीन, पास्ता वगैरह, अफगानी राजमा राइस 150 में. ये क्या रोटी है? ये वाला पीटा ब्रेड है, रुमाली है. ये क्या है? ये ब्राउन वाला? दोनों ही है. पीटा ब्रेड है. इसका कलर ऐसा क्यों? किस चीज से बना? ब्राउन है. और क्या क्या है आपके पास? ओके. काफी सारी चीजें यहाँ है. कबाब्स यहाँ देखिए फ्राई हो रहे हैं. और यहाँ देखिए चिकन, पूरा होल चिकन जो है वो. पीठे पूली बंगालीज का फेवरेट, सर्दियों में मिलने वाले सारी चीजें. मिठाइयाँ हैं बंगाली स्टाइल की. इनमें से कई सारी चीजें ऐसी है जो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है. और यहाँ देखिए स्टीम में बन रहा है, स्प्रिंग पोटैटो फ्राई हो रहा है. फ्राई करने के लिए तैयार करके रखा हुआ है. इसके अलावा यहाँ आ गया साउथ इंडियन काउंटर. डोसा इडली ये सब मिलता है ना भैया? ओनली डोसा, छोले भटूरे, गर्मा गर्म छोले भटूरे. आलू दम भी दिख रहा है. ये आलू दम अलग से है क्या कि छोले भटूरे के साथ है? कचौड़ी आलू दम, मटर की कचौड़ी, मतलब ग्रीन पीस कचौड़ी. ओके. तो हरे मटर की कचौड़ी के साथ आलू दम है जो कि दिखने में तो काफी अच्छा है. साथ में भटूरों के साथ है छोले. और ये क्या है? खस्ता कचौड़ी. ओके. इसके बाद है भाजी पाव. देखिए बटर एकदम से मेल्ट करके रखा हुआ है. बटर में सेब के पाव, साथ में ये भाजी. काफी सारा यहाँ देखिए ढाकाई पराठा जो होता है वो रखा हुआ है. इसे कहते हैं ढाकाई पराठा. इसके अलावा मॉकटेल का काउंटर है. तरह तरह के मॉकटेल्स आपको मिल जाएंगे. साथ में यहाँ चाय का एक काउंटर है जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ चाय मिलेगा आपको. बेसिक मिल्क टी, तंदूर टी, स्ट्रॉबेरी मलाई टी एंड सो ऑन. काफी सारी चीजें.
और यहाँ से है काउंटर, यहाँ से आपको कूपन लेना है और इसके बाद आप यहाँ आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी आइए और घूमते जाइए यहाँ। साथ में यहाँ देखिए पानी पूरी है। चलिए यहाँ से भी निकलते हैं बाहर, अगले हॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हॉल है हॉल नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है ब्रांडेड गारमेंट्स एंड एसेसरीज। चलिए जाके देखिए हॉल नंबर 7, ब्रांडेड गारमेंट्स एंड एसेसरीज, जल्दी से देख लेते हैं। इसमें मैं पूरा अंदर नहीं जा रही, एक बार में सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए इस तरह से सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से निकलते हैं, आप आके यहाँ विजिट कीजिए, आप देख ही सकते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट हॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हॉल नंबर 8 में भी है लाइफ स्टाइल। ये देखिए हॉल 8 लाइफ स्टाइल। चलिए अंदर जाते हैं फटाफट। फिर से साड़ीज, पश्मीना हाउस देखिए, घुमा फिरा के उसी तरह की चीजें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया। तो यहाँ मैं जल्दी से निकलती हूँ घूम के, क्योंकि इतने सारे हॉल्स हैं ना तो लेट हो जाएगा और ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा। हर तरफ जो कुछ भी मिल रहा है आपको दिखाते हुए चल रही हूँ। देखिए सेम चीजें हैं, ज्वेलरी से लेके कपड़ों से लेके। ये कैसा क्या है भैया, कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रिक से चल रहा है कि चार्ज? इलेक्ट्रिक से। ओके, कितने देर आएगा गर्म पानी? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गर्म हो जाएगा ज्यादा देर ऑन है तो। प्राइस क्या है इसका? 1650। और ये क्या चीजें हैं? स्टीम कुकर। इसका क्या प्राइस है? 3000। ये भी इलेक्ट्रिक से चलेगा? ओके। यहाँ रंगोली बन रहा, देखिए काफी खूबसूरत वीडियो नहीं। चॉकलेट्स, होममेड चॉकलेट्स, फिर से वुडन खिलौने हैं काफी सारे। चलते हैं हॉल नंबर 9 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है प्रोसेस्ड फूड। चलिए देख लेते हैं, 9 के बाद है 10 और 11, तो अभी भी बाकी है। जल्दी जल्दी से दिखा देते हैं आपको। सिरप है ये, क्या है सिरप? माउथ फ्रेशनर जो होता है ना, मुखवाश, वो सारी चीजें। मालास के प्रोडक्ट तो अच्छे होते हैं, मैं अपनी बेकरी में भी यूज करती हूँ। मालास का काउंटर है, मसाले, अच्छा फिर से माउथ फ्रेशनर और जो डाइजेस्टिव ब्रश की चीजें हैं। मिश्री है गुलाल चंद्र की, पाम कैंडी, डॉक्टर्स चॉइस ऑयल, गणेश के प्रोडक्ट्स भी अच्छे ही होते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं। मिल्को मिल्क ये क्या है? टेस्ट नहीं करेंगे, बस बताइए क्या है आपके दुकान में? मिल्क शेक। अच्छा, नहीं टेस्ट नहीं करेंगे भैया। देखिए पापड़ है, टेस्ट नहीं करना है। देखिए काफी तरह के पापड़ हैं। ये सर आपको दही लेना है, एक चम्मच पाउडर डालना है, मिक्स करना है, आपकी रेडी। ये क्या चीज़ है? ये मतलब फ्रेंच फ्राई मसाला आता है पकौड़े बनाने के लिए, आलू गोभी पनीर प्याज काली मसाला डालना, डायरेक्ट फ्राई करना, आपको कुछ ऐड नहीं करना। मसाला मतलब ये जो कवर किया है कोटिंग? हाँ मसाला, ये इसके अंदर आपको सोयाबीन लेनी है, ये मसाला डालना आपको, हल्का सा पानी डालना है, इसे मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद डायरेक्ट फ्राई कर देना है, नमक मिर्च बेसन कुछ ऐड नहीं करना है। ये सर 60 रुपये का है, 100 का दो, इसे मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, इसके बाद डायरेक्ट फ्राई करने लाए ऐसे, नमक मिर्च बेसन कुछ डाली जो तुम इसमें डायरेक्ट फ्राई। कितने का है पैकेट मसाला? मैडम 200 का एक पैकेट है, 300 का दो, यहाँ ऑफर में देके जाता है, मार्केट प्राइस में तो 290 रुपये का मिलेगा मार्केट में, यहाँ ऑफर देके जाते हैं 200 का एक 300 रुपये। अब इससे चिकन भी बनाओ, मटन बनाओ, आलू गोभी, सोयाबीन। देखिए इस तरह का ले सकते हैं आप, ये बैटर बन जाएगा इस प्रोडक्ट से। वो भी होगा ना, आलू होगा ना, कोई सा आइटम बना सकते हो।
गजक मिठाइयाँ, खजूर का गुड़ है, टेस्ट नहीं करना भैया। नेक्स्ट है गुजराती नमकीन वगैरह, फेमस ऑफ गुजरात नमकीन, कितने ही वैरायटी का नमकीन है। देखिए टेस्ट करने को देंगे आप लोगों को, आप लोग आराम से टेस्ट कीजिए, टेस्ट अच्छा लगता है तो आप लोग फिर यहाँ से खरीदिए। मैं दिखा रही हूँ व्यूअर्स, टेस्ट करने के लिए आएंगे आपके पास। प्राइसिंग कुछ बताएंगे एक आध का? प्राइसिंग सारा 250 ग्राम 150 रुपए का आएगा, कोई सा भी लीजिए आप, इतनी तरह की है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली हूँ, जाके अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। एक और जगह आके मेरी सुई अटक गई है, ये देखिए पिकल्स। तो अचार भी जो है ना मेरी कमजोरी है, तो अचार भी कुछ ना कुछ जरूर खरीदूंगी। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए राजस्थानी पिकल, बैंगनी कलर का है ना, बहुत तरह का अचार है और अचार की खुशबू से तो मुँह में पानी आ रहा, देख सकते हैं आप दूर दूर तक इतनी सारी वैरायटी है। अब मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं कौन सा खरीदूँ यहाँ से। ये देखिए आम का सूखा अचार है, ये मैं ले रही हूँ एक, ये कितना बोले 250 ग्राम का, 100 रुपया, सब 250 ग्राम सारा का। अच्छा कोई सा भी लेते हैं 250 ग्राम का 100 रुपया, तो ये वाला मुझे कर दीजिए 100 रुपए का 250 ग्राम, बाकी मैं और लेती हूँ और भी देख लेती हूँ क्या लूँ। इतना सारा है, मन तो हो रहा है सब टेस्ट कर लूं, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ और ले लेती हूँ। मिर्च ले लेती हूँ, आदि को बड़ा पसंद है मिर्च भी। ये बहुत ज़्यादा तीखा होगा और वो दोनों सेम है क्या मिर्च? ये दोनों सेम है, दीजिए जरा सा इसका मसाला दीजिए। हाँ देखो नीचे, हाँ नीचे सब कुछ। एक काम कीजिए, दे दीजिए ये भी 250 ग्राम सबसे मिनिमम है ना, उससे कम नहीं ले सकते। 500 ग्राम का बोतल है, बोतल नहीं चाहिए, ऐसे लूज दीजिए 250 ग्राम। एक मैंने आम का ले लिया, एक मिर्च का ले ले रही हूँ। अचार मैंने ले लिया और इसके अलावा यहाँ है मिष्टी दोई लिखा हुआ काउंटर, नया गुड़ का रसगुल्ला वगैरह सब मिल रहा है और मीठा दही बांग्लार दोई ऐसा कुछ लिखा हुआ है। पार्टी शॉपर एटक की से शॉपिंग किया चे रे तो रे ठीक है ठीक कतो कोई पीस अरे एटक की ग्रीन माने लॉन्ग का रोज वाला चाल हो बे सामान बचरा ये गुड़ का रसगुल्ला क्या ले এটা আগে একটা দিন খেয়ে দেখি ভালো লাগে না এটা ধরে দিন বড় বড় এবার কোন এবার ছোট দুটো এ কত করে দাও 30 টাকা করে फ्रेंड्स ये एक मैं खा के देख रही हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो घर के लिए लूंगी। ठीक ही है, ठंडा है, गर्म होता ना तो और अच्छा लगता। अब इसको खत्म करना होगा। এটা দুটো প্যাক করে দেবেন। কোনটা? এটা তিনটে করে দিচ্ছি। আর একটু দিয়ে দিন দাদা। কত হলো একটা খেলাম? ৪০ টাকা ৪০ টাকা দেবো।
घर के लिए भी ले ली हूँ, आधी को भी लाएंगे। नहीं नहीं करते करते भी इतना सारा बैग ले लियूं खरीद के। सही कहते हैं जो लोग कहते हैं ना, लेडीज लोगों से कंट्रोल नहीं होता शॉपिंग। वही देख रही हूँ, अकेले आई हूँ ब्लॉग बनाने और इतना सारा ले ली हूँ। एनीवेज, हॉल नंबर 10 है कॉस्मेटिक्स कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल एंड अप्लायंस। कॉस्मेटिक्स कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल एंड अप्लायंस, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। फिर से कश्मीरी साड़ीज, धूप बत्ती, फिर से अचार, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह, बस यही सब है। निकल रही हूँ फिर से। नंबर 11 जो है वो घूमने लायक कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, मतलब जब इनॉग्रेशन वगैरह हुआ होगा या कोई प्रोग्राम हो तो उस तरह का एक हॉल है बस। तो यही है पूरा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, सब घूम के दिखा दिया आप लोगों को। विंटर वैकेशन कुछ ही समय में आने वाला है, तो यहाँ आके बच्चों के साथ घूम के जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी हॉल्स थे सब आप लोगों को घूम के दिखा दिया है मैंने, पूरा घूम के दिखा दिया मेरा। आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूअर्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।